सर्वप्रथम मु धन्यवाद जनबी अर्कस न्यूज टीवी चैनल को आम महिला मानकर तांकर अवदान उपरे जो डिस्कशन रखी तापे मु आपण समस्त को धन्यवाद जनाउछि। यादरे कौन से संदेह ना आम ओडिशा हो झारखंड हो या भारत बर्षरे गुड़ा ए भलिया ट्राइबल महिला अछंती हॉकी खिलाड़ी छें तांकर अवदान बहुत रही छें एमो इंडियन हॉकी पाई के ता पूर्वरु मु कहिपा को चाहिबी जेते बले हॉकी रो कथा आछी जेते ओलंपिक्स रो कथा आछी जेते आमे चिंता करू फर्स्ट ओलंपिक 1928 जेते बले आमे गोल्ड मेडल जीतिलु से समय फर्स्ट कैप्टेन थिले आमर जयपाल सिंह मुंडा जी ट्राइबल थिले। आउ हॉकी होची एकमात्र एभली खेल जोटि की 8 times आमे गोल्ड मेडल जीतिके आनिछु बहुत तम मझेरे ब्रॉन्ज मेडल सिल्वर मेडल जीतिछु किंतु भारत जो परिचय देछि स्पोर्ट्स माध्यम जो भारत परिचय आसी बढ़ी ता हॉकी माध्यम एतिक नुह बहुत बड़ बड़ लेजेंड हॉकी माध्यम रो जन्म नहीं भाव में मुझे कह जयपाल सिंह ध्यानचंद बलबीर सिंह सीनियर ठू नहीं कि अजित पाल सिंह केडी सिंह बाबू जफर इकबाल मोहम्मद शहीद यदि वे भास्कर ठू नहीं कि परगट सिंह धनराज पिल्ले सरदराज सिंह ठू नहीं कि आमर हरमन मनप्रीत रानी रामपाल कहवा ज्योति सुनीता कुल्लू कहवा सुभद्रा प्रधान कहवा सुनीता कहवा ओडिशा बहुत एभली चेहरा अच्छा एभली ना अच्छी जो कि आम हॉकी तांकु ना दे समस्त होचंती आम ओडिशा आम भारत बर्षर गर्व एवं लेजेंड किंतु आज आम कथा आम ओडिशा आम ट्राइबल्स महिला मान अवदान बहुत रही यदि ओडिशा रु आम कह ज्योति सुनीता कुल्लू सुभद्रा प्रधान बर्तमान ये अच्छा आमर सुनीता लाकरा नमिता टोपो नीलिमा आई झील अच्छा जो मैंने कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल बहुत भल कर आम ट्राइबल रो ना रखी आम समस्त गर्व एतिक नुह जदि आम अन्य स्टेट देखा झारखंड रु बहुत गुड़ा ये ना अच्छी अलमा मुझे अलमा गुड़िया तापर सावित्री पूर्ति समरई टेटे असुंता आश्रिता निकी प्रधान सलीमा टेटे बर्तमान जी अच्छा आम इंडियन टीम रे समस्त अवदान बहुत रही आमर हॉकी को बढ़ेबारे इंडियन वोमेन्स हॉकी को बढ़ेबारे समस्त अवदान बहुत रही किंतु वर्तमान देखिबा किछि वर्ष तले जदि आमे आपन जते भी एठी आमे समस्त अछु जदि आमे हॉकी की फॉलो करछु जदि हॉकी जदि आमे हॉकी विषय रे किछि जानि छु ताहले आपन निश्चय आपन अनुभव करथिबे 15-20 वर्ष तले हॉकी कौन थिला एवं आज हॉकी स्थिति कौन अच्छी दुर्गा भाई जस्ट आम कथा किसी वर्ष तल कथा से समय हॉकी रो परिचय मो मत कौना कौटी लुचि जाऊला दबी जाऊला किसी जानी पार ना चिणी पार ना दुर्गा भाई भी से समय स्पोर्ट्स एडिटर हिसाब से ओटीवी काम करते से समय चिन्हा परिचय किंतु आज जाणी देखिकी खुशी लगुच हॉकी प्लेयर हिसाब रे आज जदि हॉकी रो क्रेज पुणी थे फेरी आसी स्पोर्ट्स या स्पोर्ट्स कथा जिते बेले कई कौटि भी देश कौटि भी किए कर स्पोर्ट्स कथा जदि किए कर हॉकी रो कथा जी करे ओडिशा रो ना आसे मानव मुख्यमंत्री अवदान रो ना आसा आम समस्त गर्व कथा जदि आज आम स्पोर्ट्स क्षेत्र में जब हॉकी क्षेत्र में गोटे रोल मॉडल हो पारिछु नुआ परिचय जब सृष्टि कर पारिछु भारत नु भारत बाहर
ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଅବଦାନ ରହିଛି। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରେ 20 ବର୍ଷ ତଳେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଖେଳୁଥିଲି ଏବଂ ଆଜିର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆଜିଟା ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି, ଯେଉଁଠି ଏଠି ଗର୍ବ ସହିତ ମୁଁ ଚାଲିପାରୁଛି, ଗର୍ବ ସହିତ ଆଜି କହିପାରୁଛି କି ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ଅବଦାନ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ୟୁଥ୍ ଖେଳ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବଲ୍ କେମିତି ଆହୁରି ବେଟର୍ କରିବେ ତା ହିସାବରେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ତିନିଟା ଏରିଆରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ହେଲା ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, କୋଚିଂ, ତାପରେ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ହେବନି, ଯେତେବେଳେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେବନି, ଫ୍ୟାନ୍ସ ହକି ଲଭର୍ସ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଷ୍ଟାର୍କୁ ଦେଖିବି, ହକି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିବିନି, ଇଣ୍ଟ୍ରେଷ୍ଟଟା ବଢ଼ିବନି, କ୍ରେଜ୍ଟା ବଢ଼ିବନି, ଯେଉଁଟାକି କିଛି ବର୍ଷରୁ ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଛୁ। ଏବଂ ଏତିକି ନୁହଁ, ଭାରତ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇଭେଣ୍ଟ ହେଉଛି ସେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରାଯାଉଛି। ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସେକ୍ଟର ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଗର୍ବ ସହିତ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ୱାର୍ଲଡ୍ର ବେଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍, ୱାର୍ଲଡ୍ର ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଆମ ରାଉରକେଲାରେ ଅଛି, ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍, ତା ସହିତ କଲିଙ୍ଗ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍, ୱାର୍ଲଡ୍ର ବେଷ୍ଟ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି। ଏତିକି ନୁହଁ, ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସେକ୍ଟରରେ ଆମେ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ପ୍ରତି ବ୍ଲକ୍ସରେ ଟର୍ଫ ବିଛା ଯାଇଛି, ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟୁଚର ହକି ପାଇଁ। ତା ପାଇଁ ଯଦି ଛୋଟ ସମୟରୁ 5, 6, 7 ବର୍ଷ ସମୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ କୋଚିଂ ଦେବୁ, ଆରମ୍ଭ କରିବୁ, ଟେକ୍ନିକାଲି ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବୁ, ମଜବୁତ କରିବୁ, ସେମାନେ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଆହୁରି ବେଟର୍ କରିବେ। ସେ ସରକାର ଏଇଟା ବୁଝିଛନ୍ତି, ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ନୁହଁ, ସମ୍ବଲପୁର, ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳ, ଦେବଗଡ଼, ଆମର ଯାଜପୁର, ଆମର ଛତ୍ରପୁର, କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଟର୍ଫ ଅଛି, କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାକି ଫ୍ୟୁଚର ଯଦି ଆମକୁ ଫ୍ୟୁଚର ଆମର ୟୁଥ୍ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବାର ଅଛି, ଭଲ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବାର ଅଛି, ଯଦି ୱାର୍ଲଡ କ୍ଲାସ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବାର ଅଛି ତାଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ୱାର୍ଲଡ କ୍ଲାସ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦରକାର। ସେହି ହିସାବରେ ସରକାର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହ କୋଚିଂରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଷ୍ଟେଲ ଏକାଡେମିକ୍ସ ଅଛି, ତା ଦେହରେ କିଭଳି ଭାବରେ ବେଷ୍ଟ କୋଚ୍ ଆସିକି କୋଚିଂ ଦେଇପାରିବେ। ହାଇ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ସେଣ୍ଟର ତିଆରି ହୋଇଛି, ୟା ପାଇଁ କି ଖେଳାଳି ମଡର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ରେନିଂକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବେଟର ୱେରେ ନେଇପାରିବେ ତା ପାଇଁ ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ନାଭାଲ ଟାଟା ହକି ଏକାଡେମୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଠି ହଷ୍ଟେଲ ଅଛି, ଆମର ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ବି ହଷ୍ଟେଲ ଅଛି, ଏବଂ ଏଠି ଆମର ସେଲ୍ ଏକାଡେମୀରେ ବି ତାଙ୍କର ବି ଏକାଡେମିକ୍ସ ଭଲ ଭାବରେ ରନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ କୋଚିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ କୋଚିଂକୁ ଆମେ ଯଦି ଫ୍ୟୁଚର ହକି ପାଇଁ ୟା ୱାର୍ଲଡ ହକି ପାଇଁ ଯଦି କମ୍ପିଟିସନରେ ଆମକୁ ଆମର ଖେଳାଳି, ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳିମାନେ ୟା ଟ୍ରାଭେଲ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଯଦି ବେଟର କରିବେ ତାଙ୍କୁ, ତା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆମର ଯେଉଁ କୋଚିଂ ସିଷ୍ଟମକୁ ମଜବୁତ କରିବାର ଅଛି। କୋଚ୍ ହଉ, ଟ୍ରେନର ହଉ, ୟା ସବୁ ସପୋର୍ଟିଂ ଷ୍ଟାଫ ଯେଉଁଟା ଦରକାର ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୋ ଆଜିର ସିନାରିଓ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ୟାକୁ ଆମକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସ୍ପୋର୍ଟସ ଯେକୌଣସି ନା ହଉ, ହକି ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ, ମୋ ମତରେ ହକିର ସ୍ୱରୂପ ଏଠି ଫ୍ୟାନ୍ସ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ପୋର୍ଟସର ବି ଜଡ଼ିତ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ପୋର୍ଟସ ମଧ୍ୟ ଆମ ସମାଜର, ଆମ ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ମଜବୁତ କରୁଛି, ହକି ମଧ୍ୟ ଆମ ସମାଜକୁ ମଜବୁତ କରୁଛି। ଯେଭଳି ହକିକୁ ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନେଇକି କହୁଛି, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ
मो मतरे बहुत वर्ष शहे शहे कोड़े पचीस वर्ष तले आम सुंदरगढ़ किसी से समय मिशनरीज से माने आसते से माने ट्राइबल्स एरिया रे बहुत जंगल भीतर को जाई से माने गोटे स्कूल घर तैयारी कले हेल्थ सेंटर छोटिया तैयारी कले तापर भगवान को मन मन पकाया गोटे चर्च सब तैयारी कले एवं समाज की बोली भाव रे भल भाव रे बढ़ी पार समाज की बोली बोले मिलित भाव रे ग्रोथ हो पार ताकि गोटे स्पोर्ट्स इंट्रोड्यूस कले से स्पोर्ट्सटा हूँ हॉकी फिटनेस से माने इंट्रोड्यूस करते फिटनेस की बोली भाव रे समाज भितर रही पार तारी से इंट्रोड्यूस करते हॉकी किंतु मु भावे बेले बेले से समय से माने जानि नथिबे कि सही हॉकी दिने आसी कि आम गोटे समाज के गोटे ट्राइबल समाज के मजबूत कर ट्राइबल समाज में आइकन तैयारी कर लीडर तैयारी कर आम से समय से जान नु आज जब आम रियलाइज करवा हॉकी सही अच्छी जो जो ट्राइबल पु झी अच्छा आ जो जो चर्चेस अच्छी से हॉकीटा से माने कल्चर हो जाए एवं सेठू से माने प्रति सप्ताह रे मास को वर्ष को तांकर कल्चर रे हॉकी टूर्नामेंट माध्यम रे डिफरेंट डिफरेंट खसी कहवा कौन कहते आम कुकुड़ा गंजा कहवा ए माध्यम रे से कल्चर टा बढ़ी बढ़ी के आसी बढ़ी बढ़ी की ए पर्यंत पहुंची गला कि सेटा इंटरनेशनली गोटे ग्रासरूट सेंटर हो गला सुंदरगढ़ एवं एटा को जेहेतु यही जो कल्चरटा रही था आम ट्राइबल मानकर भितर पूर्वे आम पु मैंने खेलुले झील मान को ये लाज सरम से दबी जा खेल आरंभ कर बहुत पर झील मैंने खेल आरंभ कै आगे पु मैंने खेलुले गाँ गहली बर्तमान मध्य गाँ गहली टूर्नामेंट सब झील टूर्नामेंट हो ना बर्तमान आरंभ होर्षा हो चंपियनशिप किंतु बिना ट्रेनिंग बिना कोचिंग बिना तादरे झियो मानकर जो कंट्रीब्यूशन रही छे विगत 15-16 वर्ष भितर एक्सलेंट मु कहबी एटा तांकर ही परिश्रम तांकर ही चेष्टा से माने चाहिले कि हाँ आम भी दिने कैप्टेन हो पारू आम अर्जुन अड़ी पाइपरबू दिने आम जब करके परिवार चले पार बट आज साबित होता 100 वर्ष 120 वर्ष जो आरंभ होता आज ओडिशा सरकार माननीय मुख्यमंत्री जापारे कि हाँ आम ट्राइबल पु झील मैंने स्पोर्ट्स मध्यम हॉकी मध्यम आग को बढ़े तापाई आज जो व्यवस्था देखीछू से आमर हॉकी एवं ट्राइबल पु झीं सर निश्चय मु धन्यवाद जनइबी मुख्यमंत्री को ता सहित आमर आ गोटे मु कथा आप जान नथिबे दिन ए भलिया मध्य थिला कि आम सुंदरगढ़ रु गोटे गाँव रु मु सोनामरारु एवं सुभद्रा प्रधान से सोनामरारु मु पुरुष दल कैप्टेन थी सुभद्रा प्रधान महिला दल कैप्टेन थी दिन एमती भी थिला दुई जन कैप्टेन गोटे गाँव रु आउ बहुत ये महिला अच्छा आम आइकन होती आमती भी दिन थिला मत 2016 ओलंपिक्स रे 16 ओलंपिक रियो रे मो मत पुरुष दल रू कई ओलंपिक्स जा पार नथिले बोधे किंतु आम महिला दल रू चार जन ओलंपिक जाते महिला दल चार जन आज अच्छा सो महिला अवदान बर्तमान बढ़ी बढ़ी चलती बेले बेले पुरुष को डोमिनेट करके रखी एटा हमर महिला डेडिकेशन तांकर परिश्रम सो आम आउ गोटे मो कथा कहबी एटी आमर भाई अच्छा बेहरा बाबू सो तांकर गोटे चिंताधारा ये मत कहते हॉकी इंडिया बर्तमान आम चेष्टा करूचु मॉडर्न हॉकी कहले बर्तमान फास्ट फिटनेस जे फिट अच्छा जे स्ट्रंग अच्छा से ही खेली पार कि आम भी फिट अच्छु आम भी स्ट्रंग अच्छु कि जीति पार्न
80 परे जते आपण कहिबे 80 हमर लास्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल 80 परे आमे मेजर टूर्नामेंट जीति पार नथलु 80 परे वर्तमान आमे 2020-21 टोकियो ओलंपिक्स रे आमे ब्रॉन्ज मेडल जीतिलु आउ वुमेन्स टीम क्लोजली बहुत क्लोजली से माने ब्रॉन्ज मेडल हारे जितिले ते 80 परे गोटे आम इंडियन हॉकी गोटे दिशारे वर्ल्ड हॉकी गोटे दिशारे जाउथिला नुआ डेवलपमेंट दिगरे जाउथिला आमे इंडियन हॉकी आमे फॉलो करनु करि पारलुनी से समय टेक्निकल वारे कहिबा या फिटनेस वारे कहिबा कोना कोठे आमे फॉलो करि पारनथिलु 80 परे मैं बहुत भल भल खिलाड़ी थिले मु भी बहुत टॉप क्लास खिलाड़ी सहित खेली आम टीम धनराज प्ले प्रगट सिंह भले खिलाड़ी सहित मुझे खेलने सुजोग पाई मुकेश कुमार भले खिलाड़ी सहित सुजोग भल कोच अंडर भी आम कोचिंग नहींचु किंतु मेजर टूर्नामेंट जीति पार नु गोटाए कर कारण आम जहाँ आम भाविलु गोटाए कर कारण से फिटनेस तो सर ठीक अच्छे आम शॉर्ट कॉर्नर स्पेशलिस्ट आम पाखे शॉर्ट कॉर्नर स्पेशलिस्ट नथिले जिते वर्ल्ड जिते भी टीम अच्छे समस्त पाखे दुई चार टीम पाखे से वर्ल्ड क्लास ड्राइव फ्लिकर कहती जहाँ पाखे वर्ल्ड क्लास ड्राइव फ्लिकर अच्छा से मैंने ही से टीम ही से खिलाड़ी के जो आम वर्ल्ड हॉकी की डोमिनेट करुचु आप समस्त जानुथे 90 वर्ल्ड कप जिते बेले बबुलेंडर फ्लोरिस बबुलेंडर से हॉलैंडर खिलाड़ी से जिते फ्लिक आरंभ कले हिट सहित देखे फ्लिक जिते आरंभ कले से आरंभ कले से वर्ल्ड कप से जीते कि नहीं गले 96 ओलंपिक या बहुत सारे वर्ल्ड कप है ओलंपिक्स है जो टीम पाखे फ्लिकर थे वर्ल्ड क्लास से ही टीम जीतिकी गले बर्तमान जो पाकिस्तान जो जिते वर्ल्ड डोर था सोहेल अब्बास थे जिते बेले हॉलैंड लोमेन्स आसिले टेकाटेकामा आसिले आउ जिते बेले अर्जेंटीना रे लॉम्बी आसिले जॉर्ज लॉम्बी 2016 ओलंपिक्स जब अर्जेंटीना जीती गंजालो गई जो खिलाड़ी थे डायरेक्ट फिकल गोल करके चलीगला जब बेल्जियम किसी वर्ष धरी जब वर्ल्ड चैंपियन अच्छे अलेक्जेंडर फ्लिकर वर्ल्ड क्लास फ्लिकर लास्ट ओलंपिक्स ओलंपिक 2020-21 ओलंपिक्स टोकियो 14 गोल्स से देते टीम के जिता कि नहींगले 2018 वर्ल्ड कप जो आम होस्ट करूँ भुवनेश्वर से अलेक्स जेंडर से सरकार गोल करके वर्ल्ड कप जीते कि नहींगले जी आम ब्रॉन्ज मेडल जीतु तामर दुज खिलाड़ी हरमन और रूपेन्द्र पाल सिंह लास्ट ओलंपिक्स दुज मिसिक 10 गोल देते और आम ब्रॉन्ज मेडल जीति तो आज दिन में आम क्वार्टर फाइनाल जो आम वुमेन्स टीम क्वार्टर फाइनाल जीति अस्ट्रेलिया को गोटे गोल जो करूँ सड़क मध्यम से होंगे आमर गुरजित कौर से अस्ट्रेलिया विरुद्ध गोटे गोल कर सर्टकर्नर आम सेमिफाइनाल को जाइलु सो मॉडर्न हॉकी रे सर्टकर्नर बहुत इंपोर्टेंट सर्टकर्नर गोलकीपर सो मुमर जिते भी आम कोच अच्छा ये आम जो प्लेयर मैं अच्छा आमर खेल भितर आम आम ओडार बर्तमान सुधा आम सर्टकर्नर स्पेशल काढ़ी पारू आमर बर्तमान दायित्व हूँ ड्राइव फ्लिकर वर्ल्ड क्लास ड्राइव फ्लिकर या वर्ल्ड क्लास गोलकीपर तैयारी करवा ये दु जन बहुत इंपोर्टेंट रोल रोच सो तापर आम कम करतमान ओडिशा सरकार कम कर हॉकी इंडिया कम करुचु सो झ बर्तमान आज वुमेन्स टीम भल परफर्मस करम क्वाफाइव राउंड रे भल परफर्मस कले आम जीति पारू कहीं आम जापान सहित आमको 9 या 10 सर्ण आम 10 सर्ण गोल कर पार्लुँ एटि आम भल परफर्मस कर प्रो लिग्रे आम सर्टकर्ण मिलू सर्टकर्ण गोल कर पारूनु आम दुईटा मैच मुझे देख ली बहुत भल खेल कितु आम सर्टकर्ण जो आम गोल करू जीति पार सो हॉकी रे मॉडर्न हॉकी रे सर्टकर्ण ड्राइव फ्लिक और गोलकीपर बहुत इंपोर्टेंट सो तापर आम कम करुचु हॉकी इंडिया वर्तमान ग्रासरूट प्रोग्राम ग्रासरूट बहुत इंपोर्टेंट आमर अंडर 16, 17, 18, 19, 20 पर्यंत जो एज ग्रुप अच्छी एक्सपोजर पर टैलेंट बहुत अच्छा किंतु जिते पर्यंत आम इंटरनेशनल एरेना जी आम एक्सपोजर देवुनी जी आम मैच खेलबुनु से मैंने एक्सपीरियंस हो पारे हॉकी इंडिया बर्तमान आरंभ कर अंडर 17 इंडियन टीम
बॉयज एंड गर्ल्स वर्तमान जाइले यूरोप टूर रे जेते पर्यंत आमे छोटो छुआ मानू सब जूनियर जूनियर पुओ झी मानते जेते पर्यंत आमे रेस्पोंसिबिलिटी देबुनु जेते पर्यंत आमे रेस्पेक्ट करिबुनु सम्मान देबुनु तांकर गेम टा इम्प्रूव हेबनी तो ता क्षेत्र रे आमे काम करूछु। एचएल एचएल बहुत भलो प्लेटफॉर्म थिला आमे यूथ खिलाड़ी पाई तांके एक्सपीरियंस गेन करे पाई किसी वर्ष धरी बंद होता वर्तमान ताकु मध्ये आमे आरंभ करूछु करिबाको जाउछु हे पारे डिसेंबर 24 या जनवरी 25 रे हे पारे। सो हॉकी को नहीं कि बर्तन गुड़ा सब प्लान अच्छी मो मोर विश्वास ओडिशा सरकार को साहज्य रे एवं आपन समस्त साहज्य रे हॉकी आमर हॉकी आमर स्पोर्ट्स आहुरी आगो के जीवो। सो मु धन्यवाद जनेबे फाइनली अर्कस टीवी चैनल को आपन समस्त को बहुत सुंदर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर हॉकी उपर एस्पेशली आमर महिला वुमेन्स हॉकी तांकर अवदान उपर आउ ए सुंदर प्रोग्राम डकै पारु मु आपन समस्त को धन्यवाद दउछु धन्यवाद नमस्कार। जदि आपणको आम वीडियो टी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।